Daddy starring Arjun Rampal as Arun Gauli in his biopic, and South Indian actress Aishwarya Rajesh and directed by Ashim Ahluwalia is the big Bollywood release. And here is our Daddy movie review. He's the best. He's awesome. Yeah. Let us say, nahi ek hi tha, wo bhi old song. वेरी नाइस मूवीज ऑसम बिल्कुल क्रेडिट किया है उन्होंने एक्टर अपने वाइस से अपने एक्टिंग वाइस से और कैरेक्टर बहुत अच्छे पोर्ट्रे किया है उन्होंने और जहाँ तक देखा जाए अरुण गावली जी की लाइफ के बारे में मुझे तो नहीं पता था बहुत से लोगों हैं जो जिन्हें नहीं पता है मुंबई के भी हैं बाहर के मुंबई के तो उनके उनको जानने के बारे में उनके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ये मूवी मतलब वो पहले गैंगस्टर थे फिर बाद में वो सुधरने की कोशिश करते थे पुलिस वाले मतलब उनको सुधरने देते ही नहीं उसके पीछे लगे रहते थे और जो एंड तक एक्टिंग की है ना वो उन लोग का ही बेस्ट हम लोग बैठ के नाच रहे थे तो होता है लगता है कि काफ़ी मेहनत भी की होगी उन्होंने ये रोल को प्ले करने से उधर ट्रेलर देखने के बाद लगता है मूवी बहुत ही अच्छी होगी लेकिन एकदम टर्न ऑफ हो जाता है टर्न डाउन तो इसमें ऐसा इसमें तो अपोजिट था ट्रेलर जितना अच्छा लगा उससे भी ज़्यादा अच्छी मूवी थी और एक बात ये फरहान अख्तर उनको तो आई मीन स्टार्टिंग के कुछ शॉर्ट्स में रिकग्नाइज होते ही नहीं है साइड से जो उनका फर्स्ट लिया हुआ है जब वो बोलना शुरू करे तब से लगता हो कि ये फरहान अख्तर है उनका जो मेन नेगेटिव इट्स प्रीटी नाइस मतलब जो अर्जुन रामपाल से एक्सपेक्टेशंस थी तो वो कहीं ना कहीं उम्मीदों पे खरी उतर रही है तभी अर्जुन ने ट्रांसफॉर्म इज लाइक इट्स अप्रिशिएटेबल काबिले तारीफ उनके गाने में भी वो जो उनका फ्लेवर है जो एक एंशियंट फ्लेवर है वो उसके अंदर गाने में भी नजर आ रहा है जो एक 80s 90s का फ्लेवर है और गाने में ऐसे नहीं कि जबरदस्ती के गाने हैं उन्हें भी मतलब प्रॉपर तरीके से उन्हें पोर्ट्रे किया गया 4.5. Well, now if you haven't seen the film already, grab a ticket at the nearest theater. And if you have, share with us your comments on the film below.